अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं हो क्या रहा है। मैं हूं फैसल अब्बासी, ग्रुप एडिटर 92 न्यूज़। इरशाद अहमद आरिफ सब साथ हैं, शुक्रिया इरशाद साहब आपका। वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ चीन के दौरे पर हैं, चीनी सदर से उन्होंने मुलाकात भी की है। और इस सारे मामले में जो अच्छी खबर ये आ रही है कि चीनी सदर ने ये कहा है कि पाकिस्तान के मुआशी इस्तेहकाम के लिए चीन मदद करेगा। कुछ ये भी इत्तलात आ रही हैं कि चीनी सरमायाकार पाकिस्तान में सरमायाकारी में मज़ीद दिलचस्पी भी रखते हैं, इस पर भी बात करेंगे इस दौरे के असरात पे भी। लेकिन पाकिस्तान में इस वक्त जो दौरा है वो इमरान खान के लॉन्ग मार्च का है और हर जानब ये लॉन्ग मार्च ही डिस्कस हो रहा है। अब गुजरांवाला, रावाली और अब वज़ीराबाद की तरफ ये लॉन्ग मार्च बढ़ रहा है। 6 दिन का हो गया है लेकिन अभी तक ये तकरीबन 250 किलोमीटर का फासला है शाहदरा लाहौर से टी चौक रवात रावलपिंडी का, इस्लामाबाद का, तो ये आधा सफ़र भी तय नहीं किया है। इमरान खान कितना वक्त मज़ीद लेंगे, इस मज़ीद वक्त लेने से उनके मकासद क्या हैं, क्या लॉन्ग मार्च जो नतीजा वो अखज़ करना चाहते हैं जल्द और शफाफ इंतखाबात का पूरा होगा या ये अधूरा ही रहेगा। और दूसरी जानिब इस्लामाबाद के अंदर भी तैयारियां जारी हैं। राना सनाउल्ला साहब ने जो सिक्योरिटी के लोग तैनात होंगे इस लॉन्ग मार्च पे इसको रोकने के लिए भी और इसकी हिफाजत के लिए भी, उनको असलहा देने की मंजूरी लेने की भी इस्तदा की है। अब ये मामलात किस तरफ जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट में भी 25 मई का जो वाक़ा है तोहीन अदालत केस की समाअत हुई, इमरान खान से वजाहत भी तलब कर ली है सुप्रीम कोर्ट ने, इन मामलात पे बात करेंगे। खुर्रम दस्तगीर साहब ने हमें ज्वाइन किया है, ऑनरेबल मिनिस्टर हैं, बहुत शुक्रिया खुर्रम साहब आपके वक्त का, आपसे गुफ्तगू करते हैं। इरशाद साहब, खान साहब का रुख जो है वो इस्लामाबाद की तरफ है लेकिन हवाओं का रुख किधर है? देखिए, ये तो हवाओं का रुख मुतय्यन होगा जब ये इस्लामाबाद पहुँचेगा। अगर तो मतलूबा तादाद खान साहब वहाँ जमा करने में कामयाब होते हैं, एक मुतासर कन शो होता है और वो इस्लामाबाद में या रावलपिंडी में जा के बैठ जाते हैं लाखों लोगों के साथ, तो फिर हवाओं का रुख मुतय्यन होगा कि जी किस तरफ इलेक्शन की तरफ मामला जाते हैं या इमरान खान साहब की नाकामी की तरफ जाते हैं। लेकिन फिल वक्त दो चीज़ें उन्होंने हासिल की हैं, एक तो ये है कि पूरे मुल्क में पिछले कई दिन से इमरान खान डिस्कस हो रहे हैं, इमरान खान का लॉन्ग मार्च डिस्कस हो रहा है, इमरान खान की तकरीरें डिस्कस हो रही हैं, और हुकूमत के लोग जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में आते हैं, मीडिया पर आते हैं, वो इमरान खान को ही डिस्कस करते हैं, इमरान खान के ख़िलाफ़ ही सही लेकिन वो बात इमरान खान की होती है। हत्ता कि मरियम नवाज़ साहिबा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो वो पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस इमरान खान के ख़िलाफ़ थी, हालाँकि जो दौरे चीन है वज़ीर आज़म का वो एक अहम पेशरफ्त है, अहम डेवलपमेंट है, एक बड़ा वाकया हुआ है हमारी पाकिस्तान के सियासी हवाले से भी और सफारती हवाले से भी, माशी हवाले से, लेकिन डिस्कस जो है इमरान खान हो रहा है। मरियम साहिबा ने भी उस दौरे को डिस्कस नहीं किया कि उससे क्या हमें फ़ायदे हासिल होंगे, और बाकी वज़राए कराम भी जो सुबह से शाम तक आते हैं वो इसी पर बात करते हैं। तो एक नफसियाती बरतरी का तासुर जो है इमरान खान हुक्मरान इत्तेहाद पर जो है वाज़े कर रहे हैं, बिल्कुल, और इमरान खान का जो नैरेटिव है वो दुरुस्त है या गलत है लोग बाय कर रहे हैं, सर चढ़कर बोल रहा है, जी बिल्कुल ऐसे। लेकिन हम खुर्रम दस्तगीर साहब से पूछते हैं कि खुर्रम साहब, ये जो इमरान खान साहब का तो मकसद ही यही है कि वही डिस्कस होते रहें, उन्हीं का इमरान खान का लॉन्ग मार्च डिस्कस होता रहे, आपके शहर में वो आए, आपने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये कहा कि मामूलात ज़िंदगी यहाँ मुतासर हो रहे हैं। जब राना साहब कहते हैं कि 2000 लोग हैं, बल्कि मरियम साहिबा ने भी यही कहा, तो 2000 लोग तो मामूलात ज़िंदगी मुतासर नहीं कर सकते गुजरांवाला जैसे बड़े शहर के। जी बिल्कुल नहीं कर सकते, लेकिन ये शायद याद नहीं रहता अक्सर तज़िया निगारों को कि मुल्क के 4 सूबों में अभी भी इमरान खान की हुकूमत, और जिस सूबे में हम मौजूद हैं, मैं भी अपने शहर गुजरांवाला में मौजूद हूँ, यहाँ भी इस वक्त इमरान खान की हुकूमत है। तो उनके पहले तो एक रेंगता हुआ फर लॉन्ग मार्च बड़ी मुश्किल से गुजरांवाला पहुंचा है और अब आगे रेंग रहा है, लेकिन उसके लिए फिर जो जलील इंतजामिया है, उन्होंने स्कूल बंद कर दिए, उन्होंने जीटी रोड पर कहा मार्केटों के आप उनको बंद कर दें, तो जो खतरे की फजा है वो खुद पंजाब हुकूमत की फैलाई हुई है। अच्छा। वरना तो मामूलात ऐसे नहीं है जिसपे कोई भी किसी को कोई अचंबा हो, हमने बड़े मार्च यहाँ से देखे हैं, गुजरांवाला से सब गुजरते हैं, एक तारीखी रास्ता है सियासी एक्टिविटी का, तो ये सारे इश्यूज हैं ये पंजाब हुकूमत के फैलाए हुए हैं।
वरना तो मामूलात जिंदगी जारी है। अब स्कूलों को बंद करने की हमें कोई वजह समझ नहीं आई कि हमने स्कूल क्यों बंद कर दिए। तो जब स्कूल बंद होते हैं तो हर एक के जेहन में कोई अचंभा आता है कि शायद कोई खतरा है जिसकी वजह से स्कूल बंद किए। तो ये खतरे की फजा या जो घंटियां हैं ये इमरान की अपनी हुकूमत की फैलाई हुई है, इसमें हमारी तरफ से तो कोई इशू नहीं है। खुर्रम साहब तो ये समझते हैं, खुर्रम साहब मदद के साथ 2000 लोग हैं ये इस्लामाबाद पहुंचते पहुंचते ज्यादा से ज्यादा 4000 हो जाएंगे, 6000 हो जाएंगे। लेकिन राणा साहब ने नफरी मंगवा ली है सिंध से भी, इस्लामाबाद की अपनी नफरी भी है। अब उनको पहले वो थे जो रबड़ बुलेट्स थी और चीज़ें थी, अब बाकायदा असला मांगा गया है कि जी हमें बाकायदा भी एक असला चाहिए पुलिस के पास। तो ये 4-6 हज़ार लोगों के से इतना खौफजदा होने की क्या ज़रूरत है? जी नहीं, हम इमरान खान साहब के जो एक फाशिस्ट रिकॉर्ड है तशद्दुद का उसके लिए एहतियात बरत रहे हैं। 2014 में हमें आपके नाज़रीन को याद कराना है, इमरान खान के हवारियों ने पार्लियामेंट का जंगला बुलडोजर से तोड़ा था, पाकिस्तान टेलीविजन पर डंडों से कब्जा किया था, दर्जनों इस्लामाबाद पुलिस के अहलकारों की हड्डियां तोड़ी थी, उन्हें जख्मी किया था, उन्हें अस्पताल पहुंचाया था। और जो चीज ज्यादा बिल्कुल ही लोगों के जहन से ओझल हो गई है जो कुछ सामने लाना चाहिए, अब वो ये है कि 2016 अक्टूबर में इन्हीं दिनों में एक और आर्मी चीफ की तकर्री से पहले इमरान खान ने खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की पुलिस और उसके वसाइल इस्तेमाल करते हुए इस्लामाबाद पर एक हमला किया था जिसे हमने अटक पुल पर पसपा किया था। और वो गालिबन 30 या 31 अक्टूबर 2016 था जिसमें फिर आंसू गैस दोनों तरफ से चली, दोनों तरफ से पुलिस सामने सामने खड़ी थी। तो हमें तो वो चूंकि सारे मामलात याद है, और आज चूंकि 4 हफ्ते इमरान खान के पास हैं जिनमें गिलगित बल्तिस्तान है, आजाद जम्मू कश्मीर है, पंजाब है और खैबर पख्तूनख्वा है, तो इस्लामाबाद के चारों तरफ तो इमरान खान की हुकूमत है। तो ज्यादा खतर जो हमें एहतियात बरतनी है कि ये पंजाब पुलिस और खैबर पख्तूनख्वा पुलिस और मैं याद करा दूं कि एचए के पुलिस और गिलगित बल्तिस्तान की पुलिस को इमरान खान ने 25 मई 2022 को इस्तेमाल किया था। तो हमें जो असल जो एहतियात है वो ये है कि ये कई सूबों की तरफ से इमरान खान इसको वफाक के ऊपर हमले की एक दास्तान ना बना दें, और जाहिर है इस्लामाबाद के शहरियों की जान माल और बच्चों की हिफाजत हमारी जिम्मेदारी है, उनकी बिल्डिंगों की हिफाजत हमारी जिम्मेदारी है, तो हम भी अपनी जिम्मेदारी पूरी करेंगे इंशाअल्लाह। अच्छा खुर्रम साहब, ये बात ठीक है। एक पहले कल एक प्रोग्राम में आपने एतराफ़ किया बैनर्स से मुतालिक, जो बैनर्स लगे इमरान खान के ख़िलाफ़, आपने वजाहत भी दी। लेकिन आज फवाद चौधरी साहब उनको लेकर क्या फरमाते हैं, ज़रा ये सुन लीजिए, फिर आके आपका रद्द अमल लेते हैं। जी कल जो बैनर्स लगवाए, जिस तरह से उसने एडमिशन किया रात को टीवी के ऊपर, उसके बाद खुर्रम दस्तगीर को जो है कानूनी कार्रवाई करके उसको गिरफ्तार किया जाए। क्या ये बैनर्स आपने लगवाए और वो ये कहते हैं कि पंजाब हुकूमत को आपको गिरफ्तार करना चाहिए, किस कानून के तहत आप गिरफ्तार हो सकते हैं? देखिए ये बैनर्स मैंने बिल्कुल नहीं लगवाए, लेकिन एक एतराफ मैं जरूर करूंगा, मैं उन बैनर्स की जो तहरीर है उससे 100% मुत्तफिक हूं। तो बैनर लगाने से मेरा कोई ताल्लुक नहीं है, लेकिन उसकी तहरीर से मैं बिल्कुल मुत्तफिक हूँ और उसका एतराफ करता हूँ। और जो लगाने वाले थे वो भी गुजरांवाला के शहरी हैं, और आपको मालूम है कि गुजरांवाला 2013 में, 18 में, 2008 में मोहम्मद नवाज शरीफ का किला था, है और रहेगा। तो यहाँ एक बहुत बड़ी तादाद मौजूद है, और ये इसीलिए जो ज्यादा इनको दुख होया है कि गुजरांवाला पहला शहर है जहाँ इनके फासिस्ट जो बयानिया है उसकी मजामत सामने आई है। तो मजामत, इनको मजामत की आदत नहीं है कि इनकी सियासी मजामत हो, जब सियासी मजामत हुई तो ये सरासीमगी का शिकार हो गए, वरना चंद दर्जन बैनर किसी का क्या बिगाड़ सकते हैं। सही है। अच्छा खुर्रम साहब, ये फरमाएं कि आप जब इकतदार में आए तो आपने कहा कि मुल्क को हमने एक माशी इस्तेकाम देना है, लेकिन अपोजिशन खा आपकी हो खा इमरान खान की हो, अपोजिशन की तो कोशिश होती है कि मुल्क आजारा ही चलती रहे, लड़ाई झगड़ा चलता रहे हुकूमत के साथ और इस्तेकाम ना आए। अब अदम इस्तेकाम अगर इमरान खान पैदा करना चाहते हैं तो आप क्यों इस्तेकाम की तरफ नहीं जाते, उनको एंगेज क्यों नहीं करते, मुज़ाकरात क्यों नहीं करते, उनको सड़कों से हटा के पार्लियामेंट में क्यों नहीं लाते? कुछ संजीदा कोशिश हुई आपकी तरफ से जिसको रिजेक्ट किया इमरान खान ने?
जी हम तो जब ऑपोजिशन में थे तब भी दावत दी, लीडर ऑफ द ऑपोजिशन शहबाज शरीफ ने, इस दौरान मुस्तकिल दावत देते हैं, आज भी दावत देते हैं। लेकिन इशू ये है इरशाद साहब कि आप गौर कीजिए, इमरान खान इस मार्च के जरिए क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं मुझे इंतखाबात दे दो, वरना वरना क्या। फिर बीच में से इनकी अपनी तकरीरों में से आवाज आती है, इनके हवारी की तरफ से आवाज आती है कि जी बंदूकों की तैयारी करो, तशद्दुद की तैयारी करो। ये जो तशद्दुद की धमकी है इसके तहत तो किसी को एंगेज नहीं किया जा सकता। ज्यादा से ज्यादा हम इस पर जरूर इमरान खान से मुजाकरात करना चाहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने फैजाबाद धरना केस में जो एक जजमेंट दी है जिसमें जो सियासी इख्तलाफ की हदूद व कयूद मुकर्रर की गई हैं, अगर इमरान खान ये कहें कि जी मैं पूरी तरह उनसे मुत्तफिक हूं और इन पर अमल दरामद करूंगा तो उनको पूरा अमन तरीके से इस्लामाबाद आने दिया जाएगा, उस पर जरूर मुजाकरात हो सकते हैं। लेकिन धमकी तशद्दुद की धमकियों पर तो किस तरह एंगेज करें? नहीं, तशद्दुद की धमकी तो बिल्कुल काबिले कबूल नहीं है, लेकिन आम इंतखाबात तो आपका मुतालबा था और आप जब इकदार में आ रहे थे उससे पहले आपके सारे दोस्त साथी कुलीग ख़ाब मुस्लिम लीग नून के थे, पीपल्स पार्टी के, जमीयत उलमा इस्लाम के, वो कहते हैं कि जी हम आएंगे ज़्यादा से ज़्यादा 60 दिन में आम इंतखाबात करा देंगे। अब 6 महीने गुजर गए, इमरान खान अगर 90 दिन में, 3 माह में, 4 माह में इंतखाबात मांग रहे हैं तो कोई ऐसी बात नहीं, वो तो आपकी बात कर रहे हैं, आपकी बात दोहरा रहे हैं, तो मसला क्या है, झगड़ा क्या है फिर? ये देखिए, आपको मालूम है कि मई के आखिर में यानी इस हुकूमत के बनने के 6 हफ्ते से के बाद ये फैसला बिल्कुल एक इख्तिताम तक आ गया था कि हम नए इंतखाबात की तरफ जाएं, लेकिन इमरान खान ने फिर तशद्दुद की धमकी दी कि जी मैं 25 मई को आऊंगा, जिसकी वजह से वो फैसला जो है फिर मौखर हुआ और ये फैसला किया है कि अब हम अपनी जो पार्लियामान की मुद्दत है 12 अगस्त 2023 तक उसको मुकम्मल करेंगे और फिर इस मुल्क को मुआशी इस्तेहकाम देंगे। ये फैसला एक सियासी तौर पे इंतहाई मुश्किल फैसला है क्योंकि इमरान खान ने IMF के साथ, चीन के साथ, मगरबी ताकतों के साथ, रशिया सबके साथ जो ताल्लुकात का बेड़ा गर्क करके हमारे सामने रख दिया कि पाकिस्तान को जो उसके एक रवायती हरीफ तो अपनी जगह पर, लेकिन जो रवायती खुरम साहब ये इत्तेहादी हुकूमत ने हुकूमत कंटिन्यू करने का फैसला क्या इस बेस पे किया कि जब इमरान खान लॉन्ग मार्च लेके निकल आए तो आपको ये लगा कि अब ये सारा क्रेडिट भी इमरान खान अपने पलड़े में डालेंगे कि मैंने हुकूमत गिरा दी? इस पे ये 25 मई का जो मार्च था ये उसके कॉन्सिक्वेंस में ये फैसला हुआ कि अगर इस तरह का तशद्दुद हमारे पर होता रहा तो इस तरह इस पर तो हम किसी तरह भी सियासी तौर पर अमल नहीं कर सकते और फिर तभी ये तमाम जमातों ने मिलकर ये फैसला किया। लेकिन 25 मई को तो तशद्दुद पंजाब पुलिस की तरफ से हुआ, इस्लामाबाद पुलिस की तरफ से, उनकी तरफ से कौन सा तशद्दुद? 2 दिन पहले तो गिरफ्तारियां शुरू हो गई थी। जी देखिए, आपने ये देखा कि उस दिन भी एक सूबे की पुलिस को इस्तेमाल किया गया इस्लामाबाद में। आपको मालूम है कि सुप्रीम कोर्ट के अहकाम इस तरह तोड़े गए, कहा गया कि हमें मालूम ही नहीं है, और सुप्रीम कोर्ट ने भी बाद में कमाल मेहरबानी और शफकत पर वही कहा गया हो सकता है कि उन्हें ना पता चला हो। स्टेट क्राफ्ट है अरशाद साहब, इसमें इस तरह की आप बहाने नहीं बना सकते कि मुझे मालूम नहीं था। खुर्रम साहब, आप ये समझते हैं कि 25 मई को या 23 मई को आप जो ऐलान कर देते अगर इलेक्शन का तो वो आपके लिए फ़ायदेमंद नहीं था? बाद में तो इमरान खान को उसका फ़ायदा हुआ आपके डिले का और ताखीर का, कि उसकी पॉपुलैरिटी जो फरवरी में 7% थी वो अप्रैल में 27% हो गई और आज 58% है जितने सर्वे भी आ रहे हैं। तो आपने तो उसको फ़ायदा पहुँचाया डिले करके, अब मज़ीद फ़ायदा पहुँचाना चाहते हैं? जी फायदा नहीं पहुंचाना चाहते किसी का। इमरान खान तो बिल्कुल हमारे उस सियासी रडार पर नहीं, हमारे सियासी रडार पर इस वक्त 2 चीजें। एक तो जलजला जो अभी सैलाब आया है उस उनके जो सैलाब जदगान की जो बहाली है वो हमारी एजेंडा है। दूसरा पाकिस्तान की मुईशत की बहाली और इस्तेहकाम हमारा एजेंडा है। और पाकिस्तान के जो खारजा ताल्लुकात में एक बहुत ही बड़ा बिगाड़ पैदा करके गया ये फितना इमरानी, उसको दुरुस्त करना है।
और वो हमें इस पे तवक्को है, हम दिन रात मेहनत कर रहे हैं। आप ये देखेंगे कि आज जितनी भी पॉपुलैरिटी हो, इंशाल्लाह जब अक्टूबर 2023 में इंतखाबात होंगे तो पाकिस्तान की अवाम एक साफ शफाफ और मुदाखलत से पाक इंतखाबात में ये फैसला करेंगे उन्होंने किसको लेकर जाना है, और हमें अल्लाह ताला से ये तवक्को है कि वो करम फरमाएंगे और अवाम का फैसला हमारे हक में हो। अच्छा खुर्रम साहब, आपने 25 मई की बात की कि इमरान खान के तशद्दुद के बायस आपने ये फैसला बदला, वरना आप नए इंतखाबात करवाने वाले थे। आप ही का एक इंटरव्यू है और आप ये कह रहे थे कि अगर हम ना आते तो ये 10 साल का प्लान था, ये अपनी मर्जी के तकर्रुर करते और 10 साल तक इन्होंने सिस्टम को चलाना था और हमने जेलों में होना था। तो अवलीन मकसद फिर क्या था? जी अवलीन मकसद अगला इंतखाब जो है 2023 का, उसको साफ शफाफ और गैर आईनी मुदाखलत से पाक करना, ये हमारा मकसद है। इसमें हमें अल्लाह ताला कामयाबी आहिस्ता आहिस्ता दे रहे हैं कि अब पाकिस्तान में इदारों को भी ये इदराक हो रहा है कि इस तरह जो इमरान खान जैसे जो हाथों के बनाए हुए सनम हैं वो फिर पाकिस्तान को नहीं चला सकते। ये 4 साल में तजर्बा इमरानी की जो एक सरीह नाकामी है उससे उसने ये साबित कर दिया है। तो अब हमें ये हमारा मकसद अभी भी ये है कि इंशाल्लाह जब अक्टूबर 2023 में इंतखाबात होंगे पाकिस्तान की अवाम जिसको चाहे मुंतखब करना चाहे, ये उनकी उनकी जिम्मेदारी है। खुर्रम साहब आज एक बात मुझे इजाजत दे, एक जुमला दे दें। देखिए आज जो है वो कहते हैं जी के ज़मीनी इंतखाबात जीत रहे हैं जी। हमने भी तो 2 दर्जन से ज्यादा ज़मीनी इंतखाबात जीते ना इमरान खान की हुकूमत में जी। और हमने तो अब हमारी हुकूमत के दौर में कोई प्रेजाइडिंग अफसर अगवा नहीं हुआ, कोई गोलियां नहीं चलाई, किसी को किसी ने गुंडे नहीं भेजे गलियों में खवातीन को हरासा करने के लिए। साफ और शफाफ इलेक्शन का रिकॉर्ड कायम किया है और इंशाअल्लाह अक्टूबर 2023 में भी अल्लाह ने चाहा तो कायम करेंगे। अच्छा ये इससे आगे बढ़ते हैं, हम ये फरमाएं कि इस वक्त आपकी तरफ ये एक हाँ एक आपने फरमाया ये अपने हाथों के बनाए हुए सनम, ये किसके हाथों का बनाया हुआ सनम है? जी ये पाकिस्तान के इदारों के बनाए हुए सनम थे और ये जो 2016 के बाद से जिस तरह इमरान खान को इकतदार में लाने के लिए मीडिया को दबाया गया, पाकिस्तान के दूसरे आईनी इदारों को दबाया गया, नाइंसाफी के फैसले किए गए मोहम्मद नवाज शरीफ के खिलाफ, ये कड़ी है। और अब वो एक जो तारीख पीरियड था फॉशिज्म का और इस किस्म की जो सिलेक्टेड गवर्नमेंट्स को लेकर आने का, आई थिंक सब ने इस तजर्बे से सबक सीखा है। अगर किसी ने नहीं सीखा तो इमरान खान ने सीखा, जो आज भी इदारों को दावत दे रहे हैं और रोजाना देते हैं धमकियां देते हैं कि जी आप अपनी आईनी हदूद तोड़ते हुए आईनी हदूद को पामाल करते हुए ये जो आज की हुकूमत है इसको कुचल दें और इमरान खान को दोबारा इकतदार में ले। लेकिन मीडिया को तो आज भी कहा जाता है कि दबाया जा रहा है और कुछ वाकयात ऐसे हुए हैं उसके अलावा मुकदमात बन रहे हैं, नाहली इमरान खान के भी हो चुके हैं, तो फिर ये उसी सिलसिले की कड़ी है? नहीं इशाज़ साहब, मैं बड़ी अदब से अर्ज करूंगा, मुझे बड़ा दुख होता है जब तजिया निगारी कहते हैं कि आज की हुकूमत में मीडिया, देखिए आज की हुकूमत में अफसार आलम को गोली नहीं मारी गई, आज की हुकूमत में किसी भी चैनल के किसी भी शो को चलते हुए उसको ऑफ एयर नहीं किया गया। हमारी हुकूमत ने किसी एंकर को ये नहीं कहा कि जी आप इस चैनल से निकल जाएं और आप उधर से निकल जाएं और चलते हुए शो बंद करा दिए। और वो सारे लोग जिनके रोजगार को इमरान खान ने नुकसान पहुंचाया था, जर्नलिस्ट को एंकर्स को, आज वो दोबारा टीवी स्क्रीन पर है। तो आज तो कोई रिप्रेशन नहीं हो रही, तो ये बड़ा आसान है कह देना कि जी देखें जी बदतरीन हालात है, इमरान खान साहब ने कहा मार्शाला से बदतरीन हालात है। भाई मुशर्रफ के मार्शाला में तो आप रेफरेंडम को सपोर्ट करने अपने झंडे लहराया करते थे, तो ये कैसे बदतरीन हालात है जहां आप पूरे मुल्क में अपनी अपनी रैलियां लेकर जा रहे हैं, पूरा मीडिया कवर कर रहा है। तो आज के हालात जो है अल्लाह ताला के करम से मीडिया की आजादी के हवाले से इमरान खान। अच्छा खुर्रम साहब ये बताइए, खुर्रम साहब आपने ये सब कहा, खुर्रम साहब स्पीक ऑर्डिनेंस आपके दौर में आया 2017 में 16 में या 17 में आप लाए, इमरान खान ने उसमें तरमीम की, हमने भी एहतजाज किया, आपने भी एहतजाज किया, इमरान खान पीछे हट गए, इमरान खान की हुकूमत पीछे हट गई। अब जनाब राना साहब फिर वही तरमीम वापस लाना चाहते हैं और स्पीक ऑर्डिनेंस के ज़रिए सोशल मीडिया को और मीडिया को दबाना चाहते हैं, तो आपकी हुकूमत वो गलतियाँ क्यों कर रही है जिसकी सज़ा इमरान खान भुगत चुके हैं?
मैं अपनी जाती राय दे भी चुका हूं और आपकी प्रोग्राम में कह भी देता हूं कि मैं इस कदम की बिल्कुल भी हमायत नहीं करता। ये एक सबक हमें सबको सीखना है, मौजूदा बशमूल हमारे जो आज हुकूमत में है, कि आर्जी फायदे के लिए की गई कानून साजी हमेशा उन बनाने वालों के गले को आती है कुछ सालों के बाद। तो हमें ये सबक सीखना है कि हमें मुस्तकिल बुनियादों पर इस तरह की कानून साजी करनी है। और मुझे ये उम्मीद है आज का चूंकि तनाव है, लेकिन जब काबीना में ये मामला डिस्कस होगा तो फिर ये मामला आगे बढ़ेंगे पड़ेगा। सही है। अच्छा खुर्रम साहब, अरशद शरीफ साहिबा की वालदा ने खत भी लिखा है और वो ये कहती हैं कि वज़ीर आज़म ने जो वादा किया था वो कमीशन उसके मुताबिक नहीं बना। जो सिटिंग जजेस हैं उनकी निगरानी में जुडिशल कमीशन बनाने में हुकूमत क्यों हिचकिचा रही है? जी कोई हिचकिचाट नहीं है। आई थिंक वज़ीर आज़म आज रात किसी वक्त या कल सुबह चीन से तशरीफ ले आते हैं तो उस पर डिस्कशन होगी। और हम मेरी ज़ाती राय में तो कोई हर्ज नहीं है कि चीफ जस्टिस से एक इस्तदा की जाए कि वो जिस जज को बेहतर समझे उस कमीशन को हम मुकर्रर कर दें, ताकि ये कम से कम मामला क्लियर हो कि एक बड़ी जो अफसोसनाक शहादत हुई है। लेकिन साथ ही फिर सदफ नईम की भी थोड़ी सी इंक्वायरी हो जाए तो बहुत अच्छा होगा। और इस पर भी शायद मैं अब जाकर, क्योंकि मैं गुजरांवाला में हूँ, लेकिन वज़ीर-ए-आज़म से सिफारिश करेंगे कि उसके भी जो हकायक हैं कि किस तरह वो अफसोसनाक सदफ नईम की शहादत हुई है यहाँ से चंद कदम दूर, उसका भी उसके भी तमाम हकायक सामने हैं। बिल्कुल, अगर उनके वरसा मुतालबा करें तो बिल्कुल होना चाहिए, ये भी वाजे होना चाहिए। बिल्कुल ठीक है खुर्रम साहब। जुगरा वाला लाइटर नोट। जी जी ठीक है, थैंक यू सो मच। जी बात ये है कि आपने ये देखा जो मैं सदफ नईम की अभी हमने बात की मरहूमा की, उनकी ताजियत के वक्त भी कुछ जुगरा वाला ही वाकया वाला पेश आया था ना कि उनके कान में बात डालनी पड़ी कि जनाब नहीं आपने खुदा के लिए ताजियत कर दें, कुछ दिल से करते हुए नजर आए। यहाँ भी यही हुआ कि ये सब जो इस वक्त फितना इस वक्त सड़कों पर मौजूद है ये एक शख्स की अना की तस्कीन है। और ये फासिज्म की डेफिनेशन है कि जब तक तो वो इदारे उसकी इक्तदार की हवस की तस्कीन कर रहे हैं तो वो इदारे ठीक है, जब वो इदारे उसकी हवस की तस्कीन नहीं कर रहे इक्तदार की तो वो सारे इदारे जो हैं वो फिर गद्दार हो जाते हैं, वो मीर जाफर मीर सादिक हो जाते हैं, वो जानवर हो जाते हैं। तो ये भी हमें गौर करना है कि ये जो इमरान खान का एक पूरा प्रोजेक्ट है ये जमहूरी पूरी तरह नहीं है, इसके अंदर एक तशद्दुद की एक बुनियाद है जो कि हमेशा कायम रहती है। और इसलिए इनके हवारी जो हैं वो आपको बार बार ये बात करते हुए नजर आते हैं और इनका रिकॉर्ड भी जिस तरह मैंने आपको प्रोग्राम में शो किया, तो ये हम सब के लिए फिक्र का मुकाम है। लेकिन बहरहाल मुल्क में एक आइन कायम है और उस आइन के तहत जो राइट्स हैं आजादी इजहार के, मैंने आज इसका भी अदा किया कि अगर सियासी इख्तलाफ रखने वालों के राइट्स हैं जी, फिर गुजरांवाला के शहरियों की भी आजादी इजहार की, उनको भी आजादी है उस चीज की। जी ठीक है, ठीक, बहुत शुक्रिया खुर्रम दस्तगीर साहब, हमारे साथ मौजूद थे और अपना पॉइंट ऑफ व्यू दे रहे थे। एक ब्रेक के बाद बात करेंगे पाकिस्तान की सियासत में गुलैल और दलील का क्या ताल्लुक है, हमारे साथ रहिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका खैर मकदम करते हैं इरशाद साहब। पिशावर में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुन गुलैलें खरीद रहे हैं, बना रहे हैं, इंतजाम कर रहे हैं, और जाहिर है कि जब पुलिस के साथ इस तरह की मजामत का सिलसिला हो तो फिर गुलैलें बड़ा एक सिलसिला रहा है। वैसे तो किसी ज़माने में ये चिड़ियों का शिकार करने के लिए इस्तेमाल होती थी। पाकिस्तान में गुलैल और दलील सियासत में इनका ताल्लुक क्या है? सियासत में दलील चलती है, सियासत में तो ज़ुबान की गुलैल चलती है और अमलन भी गुलैल ही चलती है। देखें यहाँ पाकिस्तान में जो प्रॉब्लम है वो ये है कि सियासत उन पैरामीटर्स में होती ही नहीं है जो हमारे आइन ने मुतय्यन किए हैं, जो दुनिया भर के जमहूरी माशरे में होता है, जो जमहूरियत के बुनियादी उसूल हैं, उसमें मुकालमा होता है, उसमें दलील होती है, उसमें एक दूसरे को कायल माकूल किया जाता है। हमारे यहाँ तो देखें ना, ये जो कुछ इस वक्त हो रहा है, इधर से हो या उधर से हो, अगर इमरान खान साहब
लॉन्ग मार्च कर रहे हैं वो एक आइनी और कानूनी रास्ता है ना, जिस तरह आदम एतमाद हुकूमत के मुताबिक या हुक्मरानों के मुताबिक एक आइनी और कानूनी रास्ता है, वो लॉन्ग मार्च भी एक आइनी और कानूनी रास्ता है। लेकिन जो रेड जोन का एरिया बढ़ाकर आप ज़ीरो पॉइंट पर क्यों ले आए हैं, वो तो समझ आती है रेड जोन के जनाब। उसकी दलील वो ये देते हैं कि 2014 में भी इन्होंने एक जगह मुख्तस की थी, फिर उसके बाद ये रेड जोन में आ गए थे और डी चौक खुद नहीं आ गए थे। उस वक्त के वजीर दाखला जनाब निसार अली खान साहब, ये रिकॉर्ड की बात है कि उन्होंने इजाज़त दी थी और उन्होंने बाद में इसका एतराफ किया कि मुझे खान साहब ने रिक्वेस्ट की जी आने दें तो मैंने, लेकिन उन्होंने ये भी तो कहा कि इन्होंने कहा था हम वहाँ आएंगे एहतजाज करेंगे और वापस आ जाएंगे। बात यह है कि सियासतदान अपनी बात पर कायम रहते हैं, ये तो उनकी सादगी थी। फिर तो रेड जोन ठीक बढ़ा दिया ना। नहीं, बात ये है खान साहब ने अभी भी कायम नहीं रहना था। बात ये है कि अगर अब वो इरादा कर लें, तहिया कर लें, तो फिर ये सिर्फ रेड जोन करार देने से वो रुक जाएंगे। मैं जो अर्ज कर रहा हूँ कि जो पॉलिटिकल कल्चर है, जो डेमोक्रेटिक कल्चर है, वो हमारे यहाँ आए ही नहीं है। अभी जो हम बात कर रहे थे कि हमारे ही प्रोग्रामों में जितने मौजूदा वफाकी वजीर हैं, सियासतदान हैं, जो भी आते थे, हम तो जी बस ज़्यादा से ज़्यादा 2 महीने लगाएंगे, हम इलेक्शन इस्लाहात करेंगे, हम एहतसाब का निज़ाम जो है उसके अंदर जो खराबियाँ हैं वो दूर करेंगे, नैब को दुरुस्त करेंगे और इलेक्शन करा देंगे। और जो ही आए दूसरे दिन मुकर गए। फिर उसके बाद अवाम से ये कहा जाता है, तवक्को की जाती है कि वो हमारी बात भी सुने। वो कहते हैं जी आपकी क्या बात सुने, आपको तो कोई एतबार ही नहीं है। मैं ये सब के बारे में कह रहा हूँ। तो अगर आप जमहूरी कल्चर को फ़रोग देना चाहते हैं तो एक ना एक मौके पर हकूमत को ये कड़वी गोली निगलनी पड़ेगी कि लॉन्ग मार्च, पुरअमन एहतजाज के ज़रिए कुछ भी हो जाए, खा हुकूमत तब्दील हो जाए, इलेक्शन कराने पड़े, लेकिन मुल्क के अंदर ये कल्चर ले आए कि जनाब वाला अवाम का अवाम के दबाव को भी हम कबूल करते हैं, अवाम के फैसले को भी हम कबूल करते हैं। दुनिया में कहीं ऐसा नहीं होता। इंग्लैंड में जब ये अफगानिस्तान का इशू था और इराक का इशू था, 20-20 लाख के 2 मिलियन के इजतमात हुए हैं, ना वहाँ पुलिस ने कोई डंडा चलाया है, ना इसराइल से वो शेल मंगवाए गए हैं टीयर गैस के, ना और इंतजाम साहब। एक सवाल ये है, ये बात बिल्कुल ठीक है, मैं जब जो दलील की बात करूँ, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जब आई और बिलखसूस 2011 के बाद, इनके पास बहुत जानदार दलाइल थे। पिछली हुकूमतें जो करती रहीं 70 साल तारीख में, पाकिस्तान ने तरक्की उस तरह क्यों नहीं की जिस तरह रीजन के दूसरे ममालिक कर गए, बहुत शानदार दलाइल थे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के क्राउड के बारे में भी ये कहा जाता था कि ये बर्गर क्राउड है उमूमी तौर पे। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के क्राउड के बारे में बात होती है, गुलेलें इकट्ठी कर रहे हैं, बंदूकें इकट्ठी कर रहे हैं, ये मुतशद्दिद रवैया क्यों हो गया है? नहीं, ये तो जवाब देखें इमरान खान साहब या उनके साथी दे सकते हैं ना। नहीं, मैं कह रहा हूँ तजिया, जरा अगर कंपैरिजन हम करें इसके तजिया, वो दलील से गुलेल तक का सफर क्यों हुआ? तजिया को तो मैंने कर दिया ना कि जब जमहूरी कल्चर मुल्क में परवान ही नहीं चढ़ेगा, जब मुकालमे की कोई रिवायत ही जड़ नहीं पकड़ेगी, जब सियासतदान अपनी ही बात से मुकर जाएंगे, तो उसके बाद यही कुछ होता है। वो तो मैंने आपको बता दिया जी। लेकिन जो दलाइल की बात है या नैरेटिव की बात है, वो तो आप भी मानते हैं, सब मान रहे हैं कि इस वक्त इमरान खान का जो नैरेटिव है, जो दलील है, वो मानी जा रही है, और हुकूमत जो जवाबी दलील देती है उसको कोई भी नहीं मानता। मसलन इमरान खान अगर ये कहते हैं कि जी नए इलेक्शन होने चाहिए, और उसका जवाब वो पेश करते हैं कि मुल्क में सियासी अदम इस्तेकाम की वजह से मुआशी अदम इस्तेकाम है, और मुआशी अदम इस्तेकाम की वजह से पाकिस्तान की सलामती। यही मेरा सवाल है कि इमरान खान की स्ट्रेंथ दलील थी, तो ये दलील है ना, उसको कोई मान रहा है? दलील थी, दलील तो वो दे रहे हैं ना, बिल्कुल ठीक है। और उस दलील के हक में शवाहद मौजूद है। एक दलील इमरान खान दे रहे हैं, एक बात इमरान खान कर रहे हैं, और उसके हक में शवाहद ये हैं कि मईशत कमज़ोर हो रही है रोज़ बरोज़, मामलात संभल नहीं रहे मौजूदा हुकूमत से। क्या कोई मुस्लिम लीगी निजी महफिल में आपको ये कहता है कि ये हुकूमत बहुत अच्छे से तरीके से चल रही है? ठीक कहता है, नहीं कहता ना।
नहीं कोई भी नहीं कहता, ना लीगी कहता है ना पीपी वाला कहता है ना कोई और कहता है। छोड़ दें, बात यह है कि जो लोग स्टेक होल्डर हैं, जो बेनिफिशरी हैं इस हुकूमत के, अगर वो भी ये मान रहे हैं कि नहीं चल रही है हुकूमत, बल्कि जो शहबाज शरीफ साहब का इमेज मजरूह हुआ है, जो अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर का इमेज था वो ख़राब हो गया, तो जी ऐसे ही है बिल्कुल। उसके बाद आम इलेक्शन, आम इंतखाबात कराने में क्या हर्ज है, क्या मसला है? इंतखाबात होंगे, एक नई हुकूमत आएगी, मुमकिन है यही आ जाएँ हमारे यहाँ, वो उस तरह के फेयर एंड फ्री इलेक्शन जो अमेरिका में होते हैं, जो बरतानिया में, वो तो नहीं होंगे ना। मौजूदा हुक्मरान इत्तेहाद को बाज़ वजूहात से बरतरी होगी इमरान खान पर, क्योंकि उसके पीछे और भी बहुत सारी कुव्वतें खड़ी होंगी जो चाहेंगी कि शहबाज शरीफ साहब दोबारा इकतदार में आएँ। इसके बावजूद वो इलेक्शन नहीं करा रहे, तो इसका मतलब ये है कि कोई नीयत ठीक नहीं है। सही है, एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद दोबारा गुफ्तगू का सिलसिला यहाँ से भी जोड़ेंगे और वज़ीर आज़म के दौरा चीन की बात भी करेंगे, हमारे साथ रहिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। ब्रेक से पहले हम कुछ बात कर रहे थे दलील की, अब एक जो रवैया इमरान खान की जानिब से अपनाया जा रहा है वो बहुत एक्सट्रीम लाइन है। उनकी जो स्टेटमेंट्स सामने आ रही हैं उसमें खासी आप कह सकते हैं कि वो इंतहाओं को छू रहे हैं। इरशाद साहब, कल इमरान खान ने ये बात की कि 1970 में अवाम के मैंडेट को नहीं माना गया और उस वक्त के डिक्टेटर और एक सियासतदान ने मिल के जो हिकमत अमली अपनाई उससे नुकसान मुल्क को हुआ और मुल्क टूटा। ये हवाले देने की क्यों ज़रूरत पेश आ रही है, क्या मतलब खान साहब चाहते क्या हैं? बात तो ये सच है कि उस वक्त याह्या खान की हवस इक़्तदार को भुट्टो साहब कैप्चर ना करते और इक़्तदार मुंतखब अवामी नुमाइंदों के हवाले कर दिया जाता तो सूरत हाल ये ना बनती। और ख़ान साहब का इशारा गालबन सिर्फ इस हद तक है, अदरवाइज़ तारीख ये है कि वो जो मशरक़ी पाकिस्तान टूटा वो सिर्फ मुजीबुर्रहमान की वजह से नहीं टूटा। मुजीबुर्रहमान को जब सपोर्ट मिली भारत की, वो भी हालात हमने पैदा किए ना, कि अगर हम वो काम ना करते, हम याह्या खान ने ख़ुद इलेक्शन कराए, अपने लीगल फ्रेमवर्क आर्डर के तहत इलेक्शन कराए, उसके बाद डिक्लेयर किया याह्या खान को कि ये जो है प्राइम मिनिस्टर हैं इस मुल्क के, और सिर्फ़ अपने मुजीबुर्रहमान को, शेख मुजीबुर्रहमान को, और कहा कि जनाब वो इस मुल्क के वज़ीर आज़म हैं। उसके बाद अड़ गए कि जी मुझे भी कुछ हिस्सा अदा करें। भुट्टो साहब ताड़ में थे, उन्होंने कहा कि जी मैं पोजीशन में क्यों बैठूं, मेरे पास मग़रबी पाकिस्तान का मैंडेट है। हालांकि उनके पास मैंडेट जो था वो पंजाब का था, और लेकिन वो पाकिस्तान का मैंडेट बन गया। तो इसका मुशाबहत ये नहीं है कि जी शायद भुट्टो अपना इमरान खान, मैं नहीं समझता कि इमरान खान के जहन में भी ये होगा कि हालात इतने ख़राब हो लेकिन उनके नैरेटिव का फ़ायदा भारत तो उठा रहा है, भारत उठा रहा है भरपूर तरीके से उठा रहा है, लेकिन हमारे यहाँ भी बाज़ लोग उसको उछालने की कोशिश कर रहे हैं। जो बात नहीं है जो खान साहब कहना चाहते हैं, वो इशारा ये है कि आप अवाम के मैंडेट को, अवाम की राय को, मर्ज़ी को अहमियत दें, वरना फिर दुश्मन उससे फ़ायदा उठाते हैं। फवाद चौधरी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा। चौधरी साहब ये बताइएगा, अब ये लॉन्ग मार्च आपका कहाँ तक पहुँचा है और ये इतनी ताखीर किस वजह से हो रही है, क्या कोई आस उम्मीद है कि मुज़ाकरात के लिए राबता करेगा आपसे कोई? देखिए, अगर आपकी जो 92 की टीम है, अगर आप उनसे पूछेंगे कि ये इतना स्लो क्यों है, तो वो आपको बता देंगे कि ये बेसिकली हजारों लोग जो है ये कंटेनर के साथ वॉक कर रहे हैं, और जब वो वॉक कर रहे हैं तो हमारे लिए पॉसिबल नहीं है कि हम रफ्तार को तेज करें। लिहाजा ये तकरीबन आप समझे कि रोजाना 10-12 किलोमीटर से ज्यादा का सफर हो नहीं सकता, अदरवाइज हादसे बढ़ जाएंगे और खतरनाक। कल हमारे प्रोग्राम में असद कैसर साहब ने कहा कि जो बैक चैनल डायलाग वाला जो है वो बंद नहीं हुआ, चल रहा है, तो क्या वाकई चल रहा है कोई मुजाकरात किसी न किसी सतह पे आरिफ अलवी साहब या चौधरी परवेज लाही साहब, और अगर चल रहे हैं तो कामयाबी की कोई उम्मीद है? उम्मीद कम है जी, लेकिन ज्यादातर कोई फॉर्मल मुजाकरात हो भी नहीं जी। ये तो ऐसी एक
लोग जिनका पर्सनल ताल्लुक है, जैसे कैसे साहब का जाती ताल्लुक है जी, तो लोग उनके पास आए मिले, लेकिन उनको खास बातचीत हुई नहीं, क्योंकि नवाज शरीफ वाजे तौर पर कह चुके हैं जी कि जब वो इलेक्शन जीत नहीं सकते तो क्यों कहें जी। फवाद साहब, असद कैसर साहब कल हमारे साथ हमारे प्रोग्राम में थे, वो ये कह रहे थे वो चैनल जो लॉन्ग मार्च से पहले भी मुजाकरात के लिए इंटैक्ट था वो अभी भी ऑन है, तो अब इस पे मतलब क्या इमरान खान साहब के आशीर्वाद के साथ ये सारे मामलात हो रहे हैं? उन्होंने तो अलवी साहब को गो अहेड दिया हुआ, तो उनके अलावा भी कोई लोग हैं जो मुजाकरात कर रहे हैं या इमरान खान का जो डिमांड्स हैं वो पहुँचा रहे हैं? नहीं, जो फॉर्मल मुजाकरात है ना वो सिर्फ आरिफ अलवी साहब के साथ, उनके पास ये मैंडेट है और किसी के पास मैंडेट नहीं है, बाकी सब लोग इनफॉर्मल मिलते हैं कई दफा, कोई मौके जाहिर है मेरे जैसे नॉन लीग में दोस्त हैं और वो भी तो कंसर्न है ना, लोग वो कहते हैं अगर पंच चल रहा है दोनों फैमिलीज ने अपने पैसे तो ठिकाने लगा लिए हैं लेकिन हमारा जो है वो क्या बनेगा, तो वो उनका एक अपना कंसर्न तो है। अच्छा, पिशावर में हम देख रहे हैं कि फवाद साहब ये फरमाएं कि आप इस्लामाबाद पहुंच जाते हैं, असद कैसर साहब कह रहे थे कि हम लॉकडाउन कर देंगे, अदालत उज़्मा आपको लॉकडाउन की इजाज़त नहीं देती, आप बैठ जाते हैं हज़ारों की तादाद में, लाखों की तादाद में, हुकूमत फिर भी इलेक्शन पर नहीं आती, तो फिर आपका लाए अमल क्या होगा? तो इंशाल्लाह फिर हम आपको बताएंगे जब हम पहुंचेंगे, 48 घंटों के बाद बताएंगे अगला लाए अमल क्या होगा। अच्छा, यानी जेलम पहुंचने से पहले आप लाए अमल दे देंगे अगला? नहीं, इस्लामाबाद पहुंचने के 48 घंटों के बाद बताएंगे कि लाए अमल क्या होगा। अच्छा, सही, 48 घंटे आप स्टे करेंगे इस्लामाबाद में, उसके बाद नया लाए अमल देंगे? यानी धरना होगा, आप बैठेंगे, जलसा हो के वहाँ पे लोग मुंतशिर नहीं हो जाएंगे, कारकुन बैठेंगे इस्लामाबाद में? मुंतशर नहीं होंगे, अगले लायामल का इंतजार करें। अच्छा, आज जो समाअत हुई सुप्रीम कोर्ट में, उसमें उससे यूं लगता है कि 25 मई को खान साहब की तरफ से या बाबू रहमान साहब की तरफ से या फैसल चौधरी साहब की तरफ से कोई खिलाफ वर्जी हुई जो ऑर्डर था सुप्रीम कोर्ट का, अगर उसकी रोशनी में सुप्रीम कोर्ट आपको पाबंद करती है कि जी आप ना धरना दे सकते हैं ना इस्लामाबाद में एंटर हो सकते हैं, तो फिर ये सुप्रीम कोर्ट का जो है काम हाथ होंगे उसके मुताबिक अमल करेंगे। अगर सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 17 को सस्पेंड करना चाहती है, राइट टू प्रोटेस्ट को सस्पेंड करना चाहती है, तो फिर तो अदालत की मर्जी है। वैसे भी तो पाकिस्तान में कौन सा बाकी बुनियादी इंसानी हकूक इस वक्त कायम है? लोगों को उठा के नंगा करके मारा जा रहा है, साफियों को कत्ल हो रहे हैं, वो बाहर भाग रहे, जो आवाज जो रखते हैं उन वो बाहर भाग रहे हैं, तो और फंडामेंटल राइट सस्पेंड हो जाए। अच्छा फवाद चौधरी साहब, ये बताइएगा अभी ये भी एक सजेशन है, कल असद कैसर साहब भी बता रहे थे कि हम पंजाब और केपी असेंबली से भी मुस्ताफ़ी हो सकते हैं, अगर आपको इजाज़त मिल जाती है, इस्लामाबाद बैठ जाते हैं, फिर भी हुकूमत या रेलेवेंट क्वार्टर साथ महरी का मुजाहरा करते हैं, तो नेक्स्ट फिर हम यही समझें कि असम्बलियों से आप लोग निकल आएंगे? जी बिल्कुल, अगर एक फ्रेमवर्क बनता है और उसमें ये सूबाई असम्बलियाँ तोड़ने की बात होती है, हम दोनों सूबाई असम्बलियाँ तोड़ने को तैयार। सही है, ठीक है। और इस वक्त जो जो लोग आपके साथ आ रहे हैं, जाहिर है इस्तकबालिया लोग तो आपके साथ हैं, हम ये तो नहीं कह सकते कि आपकी तहरीक बिल्कुल जानदार नहीं है, लेकिन ये सुनवाई ना होना, बिल्कुल ना होना, और बिल्कुल अगर हुकूमत भी लिफ्ट नहीं करा रही, बाकी भी क्वार्टर्स नहीं करा रहे, तो इसकी वजह क्या है? क्या इमरान खान साहब का जो नैरेटिव है, ये जो अप्रोच वो ले रहे हैं, वो भी एक वजह हो सकती है? देखिए, ज़्यादातर जो पाकिस्तान के अंदर जो अशराफिया है ना, वो लातल्लुक है अवाम की सेंटिमेंट से, और यही सूरत हाल जो थी वो 1970 में थी, और यही सूरत हाल श्रीलंका के इनकलाब में थी, यही सूरत हाल इनकलाब फ्रांस में, और जब ला ताल्लुक की हद से बढ़ जाती है तो फिर वही होता है जो इन ममालिक में। तो हम तो समझा रहे हैं कि ये ना हो कि इतने लाखों लोग, अगर ये अभी तक पाकिस्तान श्रीलंका नहीं बना तो उसकी बड़ी वजह यह है कि जो इमरान खान और पीटीआई की लीडरशिप है वो इस एहतजाज को स्ट्रीमलाइन किए हुए है, अदरवाइज तो पाकिस्तान को श्रीलंका बनने में कोई नहीं रोक सकता। तो इमरान खान तो खूनी खूनी इनकलाब की बात भी करते हैं फवाद साहब, उन्होंने कहा या इनकलाब बैलेट से आएगा या खून से आएगा, फैसला कर लें। अब ये इमरान खान एग्जैक्टली यही बात कर रहे हैं जो मैं बात कर रहा हूँ जी, अगर आप बैलेट के जरिए लोगों को मौका नहीं देते और लोग बाहर निकल आते हैं तो फिर आप क्या करेंगे? जाहिर है कि फिर हालात खराब होंगे। तो ये जो कभी भी जो स्ट्रेटजी ऑफ होप है ना कि नहीं जी ऐसा तो होगा ही नहीं, कोई नहीं होगा, ये बड़ी खतरनाक होती है, और अगर लोग निकल आए फिर आप क्या करेंगे? फिर तो लोग बाहर भी नहीं जाने देंगे। सही। अच्छा
फवाद साहब, एक तरफ खूनी इनकलाब की बात की जाती है, दूसरी जानब 1970 का रेफरेंस दिया जाता है, सकूत ढाका का रेफरेंस दिया जाता है, ये अप्रोच बहुत एक्सट्रीम नहीं है लीडरशिप की जानब से? आई थिंक सिचुएशन भी बड़ी एक्सट्रीम है। सिर्फ वो लोग बात करते हैं, ये ऐसा नहीं है, वो नहीं है, जो सूरत हाल से नाबलद लोग यहाँ पे अपने जेवर बेच रहे हैं बच्चों के बिजली के बिल देने के। एक बहुत छोटी अलीट है जिसका कब्जा है इस वक्त पाकिस्तान में, मीडिया के ऊपर भी और यहाँ पे डिसीजन मेकिंग के ऊपर भी। वो बंद कमरों में फैसले करती है, उसको आम लोगों के हालात का पता नहीं है, लोग बड़े सख्त गुस्से में है। अगर आप आएंगे ये जो इमरान खान की रैली है ना, तो जो गांव का साइज तो बहुत बड़ा है ही है, उसके साथ जो गुस्सा है वो बहुत ज्यादा। फवाद साहब, इमरान खान साहब बार बार ये कह चुके हैं कि हुकूमत मुझे गिरफ्तार करना चाहती है विफाके में, ये खदशा और अंदेशा अब भी मौजूद है या अब हुकूमत के बस में नहीं रहा इमरान खान को गिरफ्तार करना किसी केस में? ये तो हुकूमत तो रोज एक ना एक नोटिस ये ही रखती है और चाहते तो यही, वो तो एलिमिनेट करना चाहते हैं इमरान खान को सियासी तौर पे, और उसके लिए वो किसी हद तक भी जाने को तैयार है। लेकिन ये है कि पाकिस्तान के लोग इमरान खान के पीछे खड़े और इतनी बड़ी पार्टी को के लीडर को गिरफ्तार करना जो है उसको फिर अपने कॉन्सिक्वेंसेस। सही, ठीक, बहुत शुक्रिया फवाद चौधरी साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसीनियर रहनुमा हमारे साथ मौजूद थे। इरशाद साहब, आपका शुक्रिया, प्रोग्राम का टाइम खत्म हो गया, इजाजत दीजिए।